Good evening, everyone. Let's start. So last time हम लोगों ने जो end किया था, that was session 29. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं session 30. तो session 29 में हमने पढ़ा था type of killings. इसमें थे words like suicide, sororicide, fratricide, matricide. Such words were there. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेशन 30, जिसमें से कुछ पुराने वर्ड्स रिपीट होंगे और कुछ नए वर्ड्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ले रखा है, अगर आपको रूट से याद हो तो ब्रदर के लिए कौन सा रूट यूज किया गया था? गुड इवनिंग सचिन, सुमित, अनिता. ब्रदर के लिए यूज किया गया था फ्रेटर रूट वर्ड, सिस्टर के लिए सोरर, वाइफ के लिए ऑब्जर्व, और मैरिटस किसके लिए था? हस्बैंड के लिए. ये रूट्स यूज किए गए थे लास्ट टाइम, सभी में सीआईडीई जुड़ा हुआ था. आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनसे और शब्द बनते हैं. जैसे फ्रैटर, तो फ्रैटर हो गया ब्रदर. और अगर आप एक वर्ड बना रहे हो फ्रैटरनाइज, क्या कर रहे हैं आप? फ्रैटरनाइज. फ्रेटरनाइज का मतलब होता है किसी के साथ भाई जैसा संबंध रखना. क्यों? क्योंकि फ्रेटर का मतलब, गुड इवनिंग दीक्षा, फ्रेटर का मतलब हो गया ब्रदर. और आई जेड ई या आई एस ई लगने से कोई भी वर्ड वर्ब हो जाता है. क्या बन जाता है? वर्ब. तो आई जेड ई या आई एस ई का मतलब होता है करना या बनाना. तो फ्रेटर, ब्रदर, नाइज या आई जेड ई, करना या बनाना. तो फ्रेटरनाइज का मतलब हुआ भाई जैसे संबंध रखना या ऐसे संबंध बनाना. फ्रेंडली रिलेशन की जगह पर आप उसको क्या बोलेंगे? ब्रदरली रिलेशनशिप. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटरनल. क्या है? फ्रेटरनल. तो फ्रैटर्नल भी किससे बना? फ्रैक्टर से. और ए एल का मतलब बस होता है रिलेटेड टू, संबंधित होना. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, हाय अनुराग, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रैटर्नल है तो इसका मतलब ये ब्रदरली है. ये कैसा है? भाई की तरीके से है. फ्रैटर्नल मींस रिलेटेड टू ब्रदर, लाइक अ ब्रदर, फ्रैटर्नल. फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी बोलते हैं ग्रुप को, समूह को, एक ऐसा समूह जिसमें लोगों में काफी ज्यादा करीबी हो, नजदीकियां हो, लोगों में बहुत भेदभाव ना हो, मनमुटाव ना हो. ऐसे समूह को या ऐसे संगठन को आप क्या बोलते हैं? कि फ्रैटर्निटी है. क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा क्लोज हैं, जैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ होता है, तो इसको बोलते हैं कि हमारी अपनी एक फ्रैटर्निटी है. मतलब हम सभी इसमें भाई की तरीके से हैं, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं. This is called fraternity. तो अगर कोई मेल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ब्रदरली रिलेशंस, तो आप उसको फ्रेटर्निटी बोलोगे. और अगर कोई फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक सिस्टरली रिलेशन, तो उसको क्या बोला जाता है? सोरॉरिटी. हालांकि बहुत कम यूज होता है ये, बट पहले के दौर में जो विमेन क्लब थे, विमेन सोशल क्लब, दे वर कॉल्ड सोरॉरिटी. तो सोरॉरिटी का मतलब है कैसे क्लब या हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू फीमेल्स, जहां पर सिस्टर लाइक रिलेशन आपको शो करना होगा. और अगर फ्रैटर्निटी है तो वो ब्रदर लाइक रिलेशन पे है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्सरियस. क्या है? ऑक्सरियस. ऑक्सरियस किस रूट वर्ड से बना? इसका रूट वर्ड आपको याद होगा, इसका रूट वर्ड है UXOR, ऑक्सर. ऑक्सर का मतलब होता है वाइफ. तो ऑक्सरियस का मतलब होता है कि वाइफ जैसा पर्सन, वाइफ जैसा इन द सेंस कोई एक ऐसा व्यक्ति, समवन हु वर्शिप्स हिज वाइफ, समवन हु इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट each and every wishes of his wife.
ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि आप अक्सरियस हो। कोई ऐसा जो वाइफ की बहुत अधिक देखभाल करता हो, इतना अधिक कि उसकी किसी भी तरीके की डिमांड हो। इवन इन्होंने यूज किया है वर्ड आउटलैंडिश डिमांड्स। आउटलैंडिश मतलब कि एकदम अजीबोगरीब, बेतुकी, कि कुछ भी मांग लिया। अगर ऐसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे हस्बैंड को बोला जाता है कि दे आर ऑक्सरियस। पति व्रता का उल्टा कर लीजिए, पत्नी व्रता, लाइक दैट, सो दे आर कॉल्ड ऑक्सरियस। एक और इसी से रिलेटेड वर्ड है, हाय, बट आई थिंक अश्विनी की स्पेलिंग गलत है, या फिर अश्विनी नाम नहीं होगा। एनीवे, तो नेक्स्ट वर्ड जो इसी से रिलेटेड है अक्सरियस से ही, दैट इज हेनपेक्ट। दैट इज हेनपेक्ट, हिंदी में बोलते हैं जोरू का गुलाम। और हैंडपिक्ड और अक्सरियस दोनों एक जैसे शब्द होते हैं, लेकिन दोनों सिनोनिम्स नहीं है, दोनों सिनोनिमस नहीं है, दोनों के बीच डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो हैंडपिक्ड है ये बेचारे डोमिनेटेड बाय वाइफ होते हैं। ये कौन होते हैं, हैंडपिक्ड मीन्स डोमिनेटेड बाय वाइफ। अब इनको जिंदा रहना है, गुजर बसर करना है, तो पत्नी का कहना मानना पड़ेगा, दे आर कॉल्ड हैंडपिक्ड। बट अगर आप डोमिनेटेड बाय वाइफ नहीं हो, आप खुद ही बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना, हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लाइक दैट, देन यू आर अक्सरियस। सो बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। आगे देखते हैं और कौन से वर्ड्स हैं इसमें। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सोरियल। ऑक्सोरियल क्या है, ऑक्सरियस मतलब था वाइफ का, तो वाइफ से ही जुड़ा हुआ, पत्नी से संबंधित, ये चीजें क्या कहलाती हैं, ऑक्सोरियल। ऑक्सोरियल जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया कि किसी ने आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, आप किसी काम पे जा रहे थे, तो किस कार्य पे जा रहे हो, आपने कहा ऑक्सोरियल ड्यूटीज हैं, मीन्स वाइफ से रिलेटेड कुछ ड्यूटीज करने जा रहे हैं। तो ऑक्सोरियल मतलब रिलेटेड टू वाइफ, और कुछ भी नहीं, सिंपल है। देन द नेक्स्ट वन इज मैरिटल। तो मैरिटल का मतलब सभी को पता होगा, रिलेटेड टू मैरिज या रिलेटेड टू हस्बैंड। पहले ये रिलेटेड टू हस्बैंड था, बाद में रिलेटेड टू मैरिज हो गया। शायद मेल डोमिनेटेड दुनिया की वजह से ऐसा हुआ कि शादियां लड़कों से ही होती हैं, पता नहीं। बट मैरिटल का मतलब पहले होता था रिलेटेड टू हस्बैंड। क्यों, क्योंकि मैरिट रूट वर्ड का मतलब होता है हस्बैंड। बाद में इसकी मीनिंग चेंज हुई और क्या हो गई, रिलेटेड टू मैरिज। तो ये कॉमन सेंस का शब्द है। कॉमन सेंस का मेरा मतलब ये है कि ये चर्चा में खूब रहता है, यूज भी होता है। जैसे मैरिटल रिलेशन, तो मैरिटल रिलेशन का मतलब शादी से जुड़े हुए संबंध। कई जगहों पर स्पेशली क्राइम के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का मतलब अगर आप शादीशुदा हैं और इसके बाद भी आपका कोई अफेयर है अपनी पत्नी से या पति से नहीं, बाहर किसी और से, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। तो क्यों, क्योंकि वो मैरिटल के भी बाहर है, एक्स्ट्रा है। मैरिटल मतलब अगर वो मैरिटल रिलेशन होता तो केवल शादी तक ही था, बट वो एक्स्ट्रा मैरिटल है, मीन्स शादी से बाहर। मूवीज में अक्सर दिखाते हैं और क्राइम केसेस भी इनसे बहुत सारे रिलेटेड होते हैं। फिर अगर कोई चीज शादी से पहले हुई है तो उसको बोलते हैं प्री मैरिटल। क्या है, प्री मैरिटल। शादी से पहले की घटनाओं को आप किस में दिखा सकते हो, प्री मैरिटल में। जैसे प्री मैरिटल हैप्पीनेस, जो शादी से पहले की खुशियां हैं। विवाहित मैरिटल से रिलेटेड हो जाएगा अनुराग, ऑब्वियसली। और एक्स्ट्रा मैरिटल को बोलेंगे कि शादी के बंधनों से बाहर, और प्री मैरिटल मीन्स शादी से पहले, प्री मैरिटल हैप्पीनेस की हम बात कर रहे थे जैसे। आगे देखते हैं और कौन से वर्ड इन्होंने यूज किए। फिर है किंग्स से रिलेटेड, राजा, किंग। तो इसका रूट वर्ड हमने पढ़ा था कि रेक्स या रेज का मतलब होता है किंग। रेक्स या रेज का मतलब होता है किंग। जैसे एक शब्द यूज किया जाता है, आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो स्टोरीज में आपको ये वर्ड मिलेगा, यूज करते थे पहले लोग को। अभी भी कुछ पुरानी स्टोरीज में यूज होता है, जो ड्रैगन या डायनासोर्स की स्टोरी होती है, कि जो किंग ऑफ डायनासोर्स था, डायनासोर्स का राजा, उसका क्या नाम था, टायरनोसॉरस
रेक्स, द किंग ऑफ डायनासोर का नाम था टायरेनोसॉरस रेक्स। कैसे बना? टायरेनो का मतलब हो गया टायरेंट, अत्याचारी था, किसी को भी मार सकता था, तानाशाह था। टायरेनो क्या है? टायरेंट है, अत्याचारी। और सॉरस मतलब होता है छिपकली, तो डायनासोर देखिए छिपकली जैसी ही होते हैं, तो टाइनोसॉरस रिक्स का मतलब जो छिपकली जैसी प्रजाति के डायनासोर हैं, और उनमें जो उनका किंग है उसका क्या नाम हो गया? टाइनो टायरोनोसॉरस रेक्स। तो आर ई जी रेग, रेग मतलब किंग, राजा। इससे बहुत सारे शब्द आते हैं इंग्लिश में, कुछ पढ़ते हैं जो इसमें दिए गए हैं। जैसे एक है रीगल, आर ई जी ए एल, रीगल मीन्स रिलेटेड टू किंग, रॉयल। रेग मतलब किंग, ए एल मतलब रिलेटेड टू, तो रीगल का मतलब रिलेटेड टू किंग, रॉयल, राजा से संबंधित चीजें रीगल कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड रॉयल, दे आर फॉर किंग या टायरनी ऑब्वियसली। फिर रीगल से ही वर्ड आता है रिगैलिटी, उसी का नाउन है। रीगल का नाउन क्या बन गया? रिगैलिटी। रीगल एडजेक्टिव है, जैसे इन्होंने वर्ड यूज किया है कि रीगल मैंशन, मैंशन मतलब बंगला, तो राजशाही बंगला है तो रीगल मैंशन है। आप कहीं पे गए, आपका राजशाही स्वागत हुआ, रीगल रिसेप्शन। ये सारे रीगल से बनने वाले वर्ड्स हैं। देन द नेक्स्ट वन इज रिगेलिया, नेक्स्ट वन इज रिगेलिया। रिगेलिया क्या होता है? कुछ भी ऐसा जो राजा के कपड़ों से या राजा के बैच से संबंधित हो उसको बोलते हैं रिगैलिया। रिगैलिया मतलब जैसे राजा ने कोई कपड़ा पहन रखा है तो उसके जो क्लॉथ्स हैं दे आर कॉल्ड रिगैलिया। और एक दो इसमें बड़े अच्छे से शब्द यूज किए गए हैं रिगैलिया के लिए। आई डोंट थिंक, पता नहीं आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, ये मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किए थे वर्ड्स, बिकॉज दे आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत कम लोगों को ये वर्ड पता है, दैट इज इनसिग्निया। इनसिग्निया ये बड़ा अच्छा सा शब्द है। इनसिग्निया का मतलब होता है अ बैच ऑफ ऑनर, सम्मान। जैसे पुलिस या आर्मी को देखिए बैच मिलता है, उस बैच को आप क्या बोलोगे? वो इनसिग्निया है, ऑनर, सम्मान का प्रतीक। अगर आपको कुछ मिल रहा हो तो उनको इनसिग्निया बोलते हैं। तो राजा के कपड़े, राजा के इनसिग्निया या एम्बलम्स, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? रिगैलिया। अब जो वर्ड्स हैं वो मैडनेस से संबंधित हैं, पागलपन से संबंधित हैं। तो पागलपन के लिए कई बार लास्ट में आता है मेनियाक, जो हमने से ज्यादातर लोग पढ़ चुके हैं, लगातार जो पढ़ रहे हैं, कि मेनियाक का मतलब होता है पागलपन, ऑब्सेशन। तो एक जो शब्द हमने पढ़ा था वो था मोनोमेनियाक, मोनो का मतलब वन, मेनियाक मतलब पागलपन। तो अगर आपको किसी एक चीज, भाई सर्च कर लीजिए मेरे नाम से, मिल जाएगा अनुराग। ओ हाय भानवी। तो मोनोमेनियाक, मोनोमेनियाक क्या है? मोनो का मतलब हो गया वन, एंड मेनिया मीन्स पागलपन। अनुराग सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा, यू विल गेट दैट। तो अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के पीछे पागल हैं, किसी एक चीज के पीछे, ये हम लोग दो तीन दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मोनोमेनियाक होता है। मेनियाक से और कौन से वर्ड्स बनते हैं? मेनियाक से और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं अजीबो गरीब से, क्योंकि लोगों में बड़ी अजीब अजीब सी पागलपन की बीमारी होती है। आपको भी बहुत से लोग इसमें से दिखेंगे इस नेचर के। एक होते हैं डिप्सोमेनियाक, ये आपको खूब मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। और लॉकडाउन में तो इन बेचारों की बड़ी बुरी हालत हो गई थी, और कुछ की अभी भी होगी, लेकिन अब तो नहीं होगी, बट शुरू के लॉकडाउन में बहुत बुरी हालत में ये थे। डिप्सोमेनियाक कैसे बना? एक तो हो गया मेनिया मतलब पागलपन, एम ए एन आई ए, इसके पहले है डिप्सो, डी आई पी एस ओ। तो डिप्सो का मतलब होता है थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यास। डिप्सो का क्या मतलब होता है?
थर्स्ट, प्यास। डिप्सोमेनिया होता है, अगर आप पागलपन है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा पागल हैं, किसके लिए? प्यास के लिए। तो प्यास मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, एल्कोहल, शराब। तो डिप्सोमेनिया क्या है? एल्कोहलिज्म है। आप शराब के लिए अगर बहुत ज्यादा पागल हैं, आप बिना शराब पिए नहीं रह सकते, उसके लिए आप किसी का मर्डर भी करने को तैयार हो, तब आपको कौन सी बीमारी या समस्या है? यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्सोमेनिया एंड यू आर अ डिप्सोमेनियाक। तो डिप्सोमेनिया मतलब शराब के लिए, एल्कोहल के लिए, प्यास के लिए पागल होना। देन अनदर वन इज, अश्विनी है आई थिंक, ओके। अनदर वन इज क्लेप्टोमेनिया। आप में से ज्यादातर लोग ये वर्ड फॉर लैब में पढ़ चुके हैं शब्द, तो आप खुद से मुझे बता सकते हो कि ये क्या होता है। रूट वर्ड है इसमें क्लेप्ट, क्लेप्ट का मतलब होता है चोर। तो अगर आप चोरी करने के लिए पागल हैं, तो आप क्या हैं? आप क्लेप्टोमेनिया में जाएंगे। रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, वापस आते समय चम्मच जेब में आए, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। इसलिए नहीं कि आपको चम्मचों की बहुत जरूरत है, इसलिए भी नहीं कि आपको उनका बहुत यूज करना है, हाँ बस इसलिए क्योंकि आपको आदत नहीं है, आपको बीमारी है चोरी करने की। साइकोलॉजिकली यू आर अ पेशेंट, चोरी करने की बीमारी अनुराग। तो क्लेप्टोमेनिया मीन्स अगर आपको चोरी करने की बीमारी है, दैट इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन वाली बीमारी, और क्लेप्ट मीन्स थीफ, तो चोरी करने की बीमारी है तो क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट पायरोमेनिया। ये खतरनाक लोग होते हैं, अगर कहीं हैं ऐसे तो इनको बंद करो भाई जेल में, पायरोमेनिया वालों को। दे आर वेरी डेंजरस पर्सन फॉर सोसाइटी, ये समाज के लिए चलते फिरते बॉम्ब है। पायरोमेनिया कैसे बना? मेनिया पागलपन, और पायरो PYR, पायर, पायर का मतलब होता है फायर, आग। PYR, पायर, पायर का मतलब क्या होता है? फायर, आग। तो जो पेरो पायरोमेनिया से संबंधित होंगे, जिनको इसकी बीमारी होगी ना, खतरनाक लोग, इनको आग से बहुत ज्यादा प्यार है, इनको आग की बीमारी है। तो कुछ नहीं, रास्ते में आ रहे जा रहे, रास्ते में कहीं पे कूड़े का ढेर दिख गया, कुछ भी रखा हुआ दिख गया, बस माचिस अगर है, नहीं है तो कहीं से जुगाड़ किए, आग लगाई और कुछ नहीं, बस खुश होके नाचेंगे और क्या। तो पायरोमेनिया मतलब ये चलते फिरते, अगर इन्हें चांस मिले तो ये कहीं भी आग लगा सकते हैं, और अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये हर जगह आग लगा देंगे, और लिटरली आग लगाएंगे। इसको बोलते हैं पायरोमेनिया, आग लगाना। तो पायरोमेनिया आग लगाने वाले। हाँ शॉप लिफ्टर भी वही है, सामान 10 सामान दिखेंगे और फिर बाद में बोलेंगे अच्छा नहीं लगा, बाद में आएंगे और मालूम हुआ जाते समय 2 लेके गए। बट शॉपलिफ्टर में और क्लेप्टोमेनिया में एक जो अंतर है वो ये है कि शॉपलिफ्टर चोरी करता है क्योंकि उसे चीजों की जरूरत है, पैसा नहीं देना चाहता, बड़ी गंदी आदत है इसलिए। बट जो क्लेप्टोमेनिया है वो चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आदत खराब है। क्लेप्टोमेनिया चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बीमारी से पीड़ित है, वो सफर कर रहे हैं, वो अगर खुद को रोकना भी चाहें कि मैं चोरी ना करूं तो भी वो चोरी करेंगे। जी भानवी, क्लास की टाइमिंग है, अगर आप वर्ड पार पढ़ रहे हो, जब अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये 4 बजे ऑलमोस्ट शुरू होता है, 5-7 मिनट आगे पीछे, और बाकी थियरी क्लासेस 5 बजे शुरू होती है। तो पायरो मेनिया हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक ये क्लियर हो गया। शॉपलिफ्टर और क्लेप्टोमेनिया का अंतर, शॉपलिफ्टर जानबूझ कर करेगा, क्लेप्टोमेनिया जानबूझ के नहीं करता, लेकिन उसको बीमारी है तो वो मजबूरी में खुद को रोक नहीं पाता, उसे करना पड़ता है। सेम वही कंडीशन है पायरोमेनियाक में, इनको आप कितना भी समझाओ ये खुद भी समझेंगे लेकिन फिर भी ये आग लगा देंगे। पायरोटेक्निक है द स्किल टू पुट समथिंग ऑन फायर। टेक्निक का मतलब होता है स्किल, जिनके पास स्किल है वो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं या टेक्निकल होते हैं या टेक्नीशियन होते हैं। तो पायरोमेनिया आग लगा देने वाली बीमारी। यहाँ पे इन्होंने अच्छा किया जो लिख दिया, इन्होंने लिखा है कि आप इसको इंसेंडियरी से कभी भी रिलेट मत करना। इंसेंडियरी क्या होते हैं? इंसेंडियरी एक्चुअल में भड़काऊ या एंटी सोशल लोग होते हैं, मतलब ये 2 तरीके से आग लगाने का काम करते हैं। एक तो इन्होंने आप
रात में निकल गए थे, आपके पड़ोसी थे, देखा आपकी फसल रखी हुई है, आपसे बदला लेना है, चलो फसल पे ही आग लगा दिया। इसलिए नहीं क्योंकि ये बीमार है, जानबूझ कर लगा दिया, इंसेंडरी का काम किया, और दूसरा पड़ोसी को बता दिया कि देखो उसने आग लगा दी। तो ये दो तरीके से, एक बातों से, एक सच में भी आग लगाते हैं। इन दोनों कंडीशन में इंसेंडरी आता है, भड़काऊ या आग लगाने वाले। तो पायरोमेनिया हो गया, इंसेंडियरी भी हो गया है, कुछ और रूट्स इन्होंने दे दिए हैं। जैसे इन्होंने जो रूट दिया है वो है इंसेंड, इंसेंड या इंसेंसस का मतलब होता है आग लगाना, लैटिन का रूट है इंसेंड या इंसेंसस मतलब आग लगाना, लैटिन में है। और आर्ड या आर्सस का मतलब भी होता है जलाना, ये भी लैटिन का रूप है, जिससे इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है, आसन। तो आसन सभी को पता होगा, ARSON, आसन मतलब किसी के घर में आग लगाना, ये आसन होता है। देन द नेक्स्ट वन इज मेगेलोमेनिया, ये बड़ी अजीब बीमारी है। गुड इवनिंग मैम, यू आर लेट, वी स्टार्टेड एट 4 आई थिंक, 4:05, 4:06 समथिंग। मेगेलोमेनिया, मेगेलोमेनिया कैसे बना, मेगा मेगा स्टार वाला, तो मेगा का मतलब लार्ज, बड़ा, बहुत बड़ा, और मेगा मेगेलो दोनों एक ही है। हाँ, और मेनिया का मतलब हो गया पागलपन। तो इनको इस बात का पागलपन होता है कि दुनिया में सबसे बड़े हम हैं, फेलो नहीं ऑब्वियसली। तो मेगेलोमेनिया जो भी होंगे उनको कैसी समस्या होगी, कौन सी बीमारी होगी, कि दुनिया के सबसे बड़े पागल, सॉरी पागल नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन हम ही हैं, दे आर कॉल्ड मेगेलोमैनिया। ओके मैम, तो इसकी एक कहानी भी इन्होंने दी है कि मेगेलोमैनिया से जो सफर कर रहे होते हैं उनके पास कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं। इन्होंने कहा कि जैसे मान लो कि एक स्टोरी दी गई है, ये सच नहीं है बट एक इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरी है, फिक्शन, कि चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन तीनों लोग एक जगह पे बैठे थे और अपने सपने की बात कर रहे थे कि आज हमने सपने में क्या देखा। तो चर्चिल चूंकि जिस देश से रिलेटेड थे वहां पे प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होता था, पता ही होगा वहां का प्राइम मिनिस्टर ही प्रमुख है। तो चर्चिल ने कहा कि लास्ट नाइट मैंने सपना देखा कि भगवान ने मुझे पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि मैं बहुत बड़ा हूं मेगेलोमेनिया जैसा। रूजवेल्ट ने जहां से आते थे वहां पे राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता था, वहां प्रधानमंत्री से भी बड़ा राष्ट्रपति होता था। तो रूजवेल्ट ने कहा कि मैंने भी सपना देखा बट मैंने ये देखा कि भगवान ने मुझे पूरी दुनिया का राष्ट्रपति बना दिया है। तो चर्चिल ने बोला कि भगवान ने मुझे पूरी दुनिया का प्रधानमंत्री बना दिया, रूजवेल्ट ने बोला राष्ट्रपति बना दिया। अब टर्न था स्टालिन का, स्टालिन ने कहा कि तुम दोनों लोग आखिर ऐसा सपना देख भी कैसे सकते हो, मैंने तो तुम दोनों लोगों को कोई ऑफर दी ही नहीं, मतलब भगवान कौन हो गया स्टालिन। तो ये दिखा रहा है कि लोग किस हद तक इस बात से सफर करते हैं साइकोलॉजिकली कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं ही हूँ, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, दैट इज कॉल्ड मेगेलोमेनिया। तीन लोगों को मेगेलोमेनियाक में कंसीडर किया जाता है, राइटर बता रहा है, हिटलर, नेपोलियन और अलेक्जेंडर। इनको बोला जाता है कि देवर मेगेलोमेनियाक। इनको लगता था कि दुनिया में इनसे बड़ा और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई पर्सन नहीं है। देन द नेक्स्ट वन इज निम्फोमेनियाक, एक नेगेटिव वर्ड है और इसमें नहीं आता तो आप में से बहुत लोगों को पता नहीं चलता तो अच्छा होता, बट एनी वे बुक में है तो मैं बता दे रहा हूँ। निम्फोमेनियाक एक्चुअल में जो वर्ड है, यहाँ भी मेनिया है तो ऑब्वियसली ये भी पागलपन से रिलेटेड है। और निम्फ का मतलब होता है ब्राइड, दुल्हन। निम्फ का क्या मतलब होता है, ब्राइड, दुल्हन, या फिर इसका रिलेशन परी वगैरह से भी होता है, बट ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। निम्फोमेनिया बोलते हैं आपका पागलपन सेक्स को लेकर हो, इनकंट्रोलेबल डिजायर, दैट इज कॉल्ड निम्फोमेनिया। ये काफी खतरनाक वर्ड इन्होंने दे रखे हैं, इसके बाद वाला तो इससे भी ज्यादा खतरनाक शब्द है। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज
सैटिरोमेनिया, कौन सा शब्द है? सैटिरोमेनिया। द सेम मॉर्बिड, द सेम मॉर्बिड, द सेम मॉर्बिड का मतलब है कि निम्फोमेनिया यूज किया जाता है फीमेल्स के लिए, बट द सेम प्रॉब्लम विद मेल्स, इसको बोलते हैं सैटरोमेनिया। ठीक है, दोनों का सेम मतलब है, बट निम्फोमेनिया इज यूज फॉर फीमेल्स एंड सैटरोमेनिया इज यूज फॉर मेल्स। नाउ आई थिंक, हाँ, अब फोबिया पे चलते हैं। पागलपन की बहुत सारी चीजें हो गई जो आपको अट्रैक्ट कर रही थी, अब हम आते हैं फोबिया पर, जिनसे आपको डर लगता हो। लेकिन किस तरीके का डर? रेशनल नहीं, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल डर में डिफरेंस क्या है? जो रेशनल फेयर होता है वहां पर डरने के पीछे एक कारण है, लॉजिक है, वो रेशनल है। जहां पर आप बिना वजह डर रहे हो, कई बार साइकोलॉजिकली डर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोबिया। जैसे बहुत से लोगों को बंद कमरे में रहने का डर होता है, वो लिफ्ट से जल्दी नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें छोटी जगहों से या बंद स्पेस से डर लगता है। अगर आपके अंदर कोई ऐसा डर है तो उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। कैसा डर है ये? क्लॉस्ट्रोफोबिया। किस चीज से? क्लोज्ड स्पेसेस से, बंद जगहों पे रहने वाला डर। तो बंद जगहों पे रहना मतलब आप बहुत भीड़ भाड़ में नहीं जाओगे, वहां भी आप खुद को बंद जैसा फील करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। और जिसको होता है उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफो। क्लॉस्ट्रो का मतलब हो गया बंद स्थान और फोबिया मतलब डरना और डरने वाला फो। बट किस तरीके का डर? हम शुरू से डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि वो बिना वजह का डर होता है साइकोलॉजिकली, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, साइकोलॉजिकल बीमारी से आप पीड़ित हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोब हो गए। फिर है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बंद जगह पे अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है, ये भीड़ भाड़ में पब्लिक प्लेस में नहीं जाते क्योंकि उन्हें खुले स्थान में जाने से डर लगता है, दैट इज कॉल्ड अगोराफोबिया। अगोरा का मतलब खुला स्थान होता है। सो इनको किससे डर लगता है? ओपन स्पेस से, अगोराफोबिया। दे आर सफरिंग फ्रॉम गोइंग टू या फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, अगोराफोबिया। फिर है एक्रोफोबिया। ये थोड़ा सा लॉजिकल है तो हालांकि फोबिया मतलब इरेशनल ही, बट फिर भी ये थोड़ा सा लॉजिकल है। एक्र का मतलब होता है टिप या किनारा। एक का क्या मतलब होता है? टिप या किनारा, जिसको लोग कुछ लोग हाईएस्ट भी बोलते हैं। तो एक्रोफोबिया अगर किसी को है तो इनको ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोफोबिया है तो इनको ऊंचे स्थान से, ऊंचाई से डर लगता है। ये छत पे नहीं जाएंगे, इवन ये अगर आप इनको 10वीं मंजिल पे रख दो तो। अगोरा भीड़ से डर कहना सही नहीं है ऋतु, अगोरा मतलब खुले स्थान पे नहीं जाएंगे, वहां भीड़ हो या ना हो। तो एक्रोफोबिया क्या है कि अगर आप इनको 10वीं मंजिल के घर पे रखिए तो ये खिड़की से भी बाहर नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर है और ऊंचाई से इन्हें डर लगता है। सो दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। ये फिनिश हो गया है सेशन, एंड इसके कुछ वर्ड्स कर लेते हैं, अगर इजी रहे, आसानी से आ गए तो, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा टफ वाला, आप लोग ही करिए। जैसे पहला है फ्रेटरनाइज, इसको किससे मैच कराओगे आप? तो भाई से जुड़ा देखिए, कुछ कहीं पे मैच कराइए। फ्रेटरनल है, सोरॉरिटी है, ऑक्सोरियस, ऑक्सोरियल, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल। मैं मीनिंग एक बार जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है किसी से भाई जैसे संबंध बनाना, जो पहले से नहीं था अब आप बना रहे हो, और भाई जैसे संबंध बना रहे हो मतलब वो आपका भाई नहीं है क्योंकि उससे पहले से भाई जैसे संबंध है। तो फ्रेटरनल का मतलब भाई से संबंधित। सोरॉरिटी का मतलब कोई भी ऐसा ग्रुप या समुदाय जिसमें बहन जैसे संबंध हो, तो ऑब्वियस है बहन जैसा संबंध है तो ये फीमेल्स का ग्रुप होगा। ऑक्सोरियस मतलब होते हैं पत्नी व्रता टाइप के हस्बैंड, ऑक्सोरियल वाइफ से रिलेटेड, मैरिटल शादी से रिलेटेड, एक्स्ट्रा मैरिटल शादी के बाहर, प्री मैरिटल शादी से पहले, रीगल रिलेटेड टू
किंग या रॉयल और रिगेलिया राजा से संबंधित उनके वस्तु, आप इनको मैच कराएंगे खुद से। एंड नाउ यू मैच नीड टू मैच ऑल्सो दीज फोर कि मोनोमेनिया क्या है। तो अगर किसी एक चीज को लेकर पागल है तो मोनोमेनिया, प्यास को लेकर, शराब को लेकर पागल है तो डिप्सोमेनिया, चोरी के लिए है तो क्लेप्टोमेनिया, और आग के लिए है तो पायरोमेनिया। नाउ अगेन सम वर्ड्स आर देयर। इंसेंडियरिज्म होता है जब आप आग लगाने का काम करते हैं बट आप बीमार नहीं, आप जानबूझकर कर रहे हो। आर्सन होता है किसी के घर में आग लगा देना। मेगेलोमेनिया अपने आप को सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण समझने का पागलपन। निम्फोमेनिया एंड सैटिरोमेनिया मीन्स आपका पागलपन है फॉर सेक्स, निम्फो फॉर फीमेल्स एंड सैटिरो फॉर मेल्स। क्लॉस्ट्रोफोबिया में आप बंद जगहों पर जाने से डरते हैं। अगोराफोबिया में आप खुली जगहों पर जाने से डरते हैं। और एक्रोफोबिया में आपको ऊंचाई से डर लगता है। देन अगेन वही वर्ड्स हैं, इंसेंडियरी, आर्सनिस्ट, मेगेलोमेनियाक, निम्फोमेनियाक, सैटिरियासिस, क्लॉस्ट्रोफोब, अगोराफोब, एक्रोफोब। यू डू योर सेल्फ एक्सरसाइजेस, आप खुद से करेंगे, वो मैं नहीं कर रहा। अगेन सम एक्सरसाइजेस, अच्छा टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग तो एक्सरसाइजेज ये करते भी हैं या मैं छोड़ देता हूं और आप भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट सेशन। ये सेशन एंड कर लिया है हमने। हाँ सेशन 31 पढ़ते हैं, 31। तो पहला है नो रिवरेंस। रिवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, सम्मान। तो जब आप अपनी पुरानी परंपराओं को सम्मान नहीं देते, रीति रिवाजों को, तो आपको क्या बोला जाता है? हम वर्ड इसके लिए पढ़ चुके हैं, आपको क्या बोला जाएगा? यू आर एन आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट कौन है? जो पुरानी परंपराओं, रीति रिवाजों को तोड़ने में यकीन रखता है। कुछ लोगों का इन्होंने नाम लिखा है जो थे, जरूरी नहीं कि हम नाम जानते रहें बट फिर भी जानना चाहते हो तो एचएल मेनकेन, टॉम वोल्फ, ये आइकनोक्लास्ट थे अपने अपने समय के। और राइटर ने लिखा है कि ये जो अडोलसेंस की एज होती है, मतलब 12, 14, 18 वर्षों की ये जो एज है, इतने साल के जो लोग होते हैं, ये आइकनोक्लास्ट बहुत अधिक हो सकते हैं क्योंकि इनके जो नॉर्मल है कुछ भी उल्टा सीधा कर देना जो समाज गलत समझता है या सही समझता है। फिर है कि भगवान है नहीं है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अथीस्ट का मतलब है कि ये गॉड को नहीं मानने वाले हैं, और थीस्ट का मतलब है कि गॉड को मानेंगे। फिर इसमें हम लोगों ने एक ये भी पढ़ा था अग्नोस्टिक, जिसको पता ही नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, अज्ञानी या मूर्ख, दे आर कॉल्ड अग्नोस्टिक। ये वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। चलिए अग्नोस्टिक कैसे बना, अब हम इस पे आते हैं, ये अच्छा सा है, हमारे काम का है। हाँ स्नियर जैसा सेंस होता है बिल्कुल, बट जरूरी नहीं है कि स्नियर ही हो। स्नियर एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट होता है विष्णु अग्नोस्टिक से, तो स्नियर और अग्नोस्टिक को अलग रखेंगे ज्यादा अच्छा है। अग्नोस्टिक, तो अग्नोस्टिक बना कैसे? अग्नोस्टिक का रूट वर्ड है नॉस, GNOS, आगे टी लगाए ना लगाए, जिसका मतलब होता है जानना। GNOS कई बार टी होता है कई बार टी नहीं होता है,
जिसका मतलब होता है जानना। हाँ बता रहा हूँ, जिसका मतलब होता है जानना। तो अग्नोस्टिक का मतलब हुआ कि आ मतलब नॉट, और नॉस का मतलब होता है जानना। तो अगर आप किसी चीज को नहीं जान रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हैं, अग्नोस्टिक हो। GNOST का मतलब होता है जानना, आ का मतलब नॉट। तो अगर आप नहीं जान रहे तो वो क्या है, अग्नोस्टिक। विष्णु, स्मियर का मतलब स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब जब आप किसी को घृणा करने की नजर से देखें। चलिए, नॉस से जुड़ा और भी वर्ड आगे आता है, जैसे कि एक है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस वर्ड कैसे बना, डाया का मतलब होता है, हमने कल भी पढ़ा था, अक्रॉस। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। नॉस का मतलब होता है जानना। तो जब किसी चीज को जानने के लिए उसके अंदर कोई वस्तु डाली जाती है तो डायग्नोसिस होता है। जैसे आप देखिए वर्तमान में तो बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिनके लिए होता था कि कोई पाइप बॉडी में डाली गई, या फिर माइक्रोस्कोपिक जैसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में डाली गई, और फिर उन्हीं स्कोप से आपको ये दिखता है कि हाँ निदान करना बिल्कुल। बट निदान करना कैसे है, मैं उसका मतलब समझा रहा था कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बट कैसे दिखेगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आज के दौर में आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने एक्सरे कर लिया। या तो फिर एक सिस्टम ये भी था कि कुछ ऐसा हो जो उसको जान सके, देख सके इस पार से उस पार तक, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोसिस करना, मतलब चेकअप करना किसी का। इलाज करना से ज्यादा सही है चेकअप करना। क्यों? क्योंकि डायग्नोसिस में आपको दवा नहीं दी जाएगी। डायग्नोसिस का मतलब है आपको ये चेक किया जाएगा कि आपको बीमारी कौन सी है। ठीक है, नो मतलब जानना। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या समस्या है, और फिर उसके आधार पर फिर वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो ये डायग्नोसिस है। फिर है एक वर्ड प्रोग्नोसिस। तो अगर कोई घटना घटे उससे पहले ही आप जान जा रहे हो तो वो क्या है, वो प्रोग्नोसिस है। प्रो का मतलब होता है पहले, नॉस का मतलब होता है जानना। तो प्रोग्नोसिस को बोलते हैं नोइंग बिफोर हैंड। नोइंग बिफोर हैंड, पहले से ही जान जाना क्या है, प्रोग्नोसिस है। या फिर प्रिडिक्शन भी इसी को बोलते हैं, कि आपने अनुमान लगा लिया, आपने भविष्यवाणी कर ली, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नोसिस। आप पहले से समझ गए कि क्या होने वाला है। तो अगर कुछ हो गया उसके बाद बताएंगे तो डायग्नोसिस, होने से पहले बता दिया तो प्रोग्नोसिस। और अगर इसका वर्ब बनाना है कि हमें प्रोग्नोसिस करना है, तो इसका वर्ब बनेगा प्रोग्नोस्टिकेट। क्या वर्ब बनेगा, प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट प्रोग्नोसिस करना उसका वर्ब है, और डायग्नोस मीन्स डायग्नोसिस करना का वर्ब है। ठीक है, तो डायग्नोसिस का वर्ब हो गया डायग्नोज, और प्रोग्नोसिस का वर्ब हो गया प्रोग्नोस्टिक। फिर गॉड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो गॉड से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं ये बहुत सारे हैं शब्द, तो इनको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप 10 मिनट वेट करें, 5 बजे से आपकी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। बाकी के ये जो वर्ड्स हैं रिलेटेड टू गॉड, इनको हम कल कंटिन्यू करेंगे 4 बजे। आप लोग तो टाइम पर रहेंगे 4 PM पे, 4 to 5, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट हम डेली नॉर्मल लिविस के वर्ड पावर करेंगे, और फिर 5 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी स्पीकिंग की थियरी की। आज 5 बजे से उसकी थियरी की क्लास ना होकर आपकी इंडिया चाइना रिलेशन है। सो वेट फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, लगभग शायद 10 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। And after that, we will start India-China relation. Thank you, everyone.